ज वेर आई शेयर माय मंथली फेवरेट्स आफ्टर द एंड ऑफ इच मंथ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि मेरी फेवरेट चीजें उस मंथ में क्या रही हैं एंड आप लोग भी उसे ट्राई आउट कर सको इफ यू वांट टू एंड इसमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं होने वाला है सो यस इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल टेकआउट मोवमेंट हिट दट रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट सो दू विडियो गेट नोटिफाइड ना विदाउट एनी फॉरिंग राइट इन टू दीडियो सीरीज़ में कोई भी ऐसे कैटेगरी नहीं रहने वाली है इट इज चेंज एवरी मंथ बट फॉर दिस मंथ सबसे पहली चीज जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है दो मेकअप प्रोडक्ट एंड ओ माई गॉड आई लव एंड हाउ एवरी सिंगल डे लाइक थर्टी वन डेज होते हैं जनवरी में थर्टी वन डेज मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज किए। है इवन इफ मैं और कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही थी जस्ट like like, ये दोनों ही स्विस ब्यूटी से हैं ये है स्विस ब्यूटी की माइक्रो प्रिसिजन ब्राउ पेंसिल इसमें एक साइड में आई पेंसिल है एंड आप लोग देखो कि सिर्फ इतनी ही बच गई है मैं इसे पूरी यूज कर चुकी हूँ

सिर्फ इतनी सी बची है लाइक आई हैव ओवर वन फिफ्टी लिपस्टिक्स एंड अगर मैं कोई लिपस्टिक इतना ज्यादा यूज कर रही हूँ तो इट स्पीक्स फॉर इट्स ये स्विस्ट ब्यूटी की एच डी मैट लिपस्टिक है इन द शेड ट्वेंटी टू ब्रांडी हेरिंगटन ओके ये हुडा ब्यूटी का रिप ऑफ है लाइक इट इज लिटरली द सेम पैकेजिंग बट 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 मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस because है उससे बिकॉज इतनी अफोर्डेबल ये लिपस्टिक है एंड इसका जो पिगमेंटेशन है इट इज इन सेन दिस इज अ वेरी प्रिटी मोविश ब्राउन लिपस्टिक एंड ये सारी स्किन टोन्स के साथ अंडर टोन्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मैं रोज सिर्फ इस लिपस्टिक को एज अ ब्लश एज ए लिपस्टिक यूज करती हूँ एंड आई डू नॉट यूज एनीथिंग एल्स एंड लुक एट हाउ माई मेकअप टर्नस आउट इट इज एन आउटस्टैंडिंग लिपस्टिक फॉर्म्यूला एंड द शेड ऑल्सो क्रैक नहीं होती ड्राई अपनी होती टचअप करते रहो लॉन्ग लास्टिंग है लाइक दिस इज रियली रियली रियोली गुड लिपस्टिक इसमें आप और भी शेड चेकआउट कर सकते हो बट ये वो तो ले लेना। चलो मेकअप के लिए यही दो प्रोडक्ट्स थे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो आज के लिए होने वाले स्किन केयर तो स्किन केयर के लिए भी मेरे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं दर आई एम ओपसेसिंग ओवर तो सबसे पहले है ये टोनर सीरम दिस इज बाय एम कैफीन ये इनका फाइव परसेंट आयोसिनमाइट कैफिन कॉफी टोनर सीरम है एंड मैंने इसको इतना ही यूज किया है बिकॉज इसको मैंने अभी पिछले फोर्टीन फिफ्टीन डेज से ही यूज करना स्टार्ट किया है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको ये ज्यादा क्वान्टिटी इसकी लगती नहीं है तो इसीलिए ये इतना ज्यादा खत्म नहीं हुआ है बट इट इज सो गुड सीरम से ज्यादा थे क्या मॉइस्चराइजर से ज्यादा थे ना इट इज दैट इन बिटवीन वाली कंसिस्टेंसी एंड दिस हाइड्रेट्स योर स्किन एंड हाउ ओ माय गॉड आई लव दिस टोनर्स से ज्यादा मुझे ये पसंद आने लगा है आजकल आई रिप्लेस टोनर्स विद दिस वन एंड आई हैव बीन लविंग इट तो इफ यू वॉन्ट दैट फील गुड हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट डेफिनेटली गेट दिस वन एंड यून लव इट अगर आप सीरम्स वगैरह यूज नहीं करते हो आप इसको ले लो एंड ऑन सीरम्स बटिंग अबाउट यह हैल्दी एंड हाइलोरोनिक एसिड सीरम इसमें हाइलोरोनिक एसिड है वन परसेंट वन परसेंट आयोसिनमाइट जीरो पॉइंट वन परसेंट कोलेजटाइड एंड वन परसेंट बिटेन सो यस इसको मैं बहुत ज्यादा यूज कर चुकी हूँ इफ यू कैन सी मैं इसको यहाँ तक खत्म कर चुकी हूँ एंड इसको मैंने थोड़े टाइम दिसंबर में यूज किया था एंड में एंड जनवरी आई हैव बीन यूजिंग इट द एंटायर मंथ एंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन दिस गिव्स टू माय स्किन इज इनसेन लाइक मेरी स्किन जब डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो यहाँ पे ना बहुत सारे टेक्सचर मुझे दिखने लग जाते हैं छोटे छोटे बम्प्स आने लग जाते हैं इफ़ यू आर ऑल्सो एन ऑयली स्किन टाइप तो आई एम श्योर की कई बार जब वो बम्प्स आते हैं तो हमको लगता है कि फिर से स्किन यू नो क्लॉग हो गई है एंड हम यूज करना शुरू कर देते हैं सैलिसलिक एसिड ये एसिड वो एसिड है हमारी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है, and the और होता रहता है. तो एक ट्राई यूजिंग एसिड सीरम और मे बी अ थिक मॉइस्टराइजर जैसे कि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो एंड जस्ट गो अवे ब्यूटिफुली आपको जरूरत नहीं है ज्यादा ड्राइंग प्रोडक्ट्स यूज करने की सो दिस वन हैज बीन माई होली ग्रेल मुझे हेलोरॉनिक एसिड सीरम इन जनरल बहुत पसंद है बट विंटर्स में तो दिस एंड मॉइस्चराइजर ये वाला मैं यूज करती थी लास्ट ईयर थोड़े टाइम मैंने यूज किया एंड देन आई डोन्ट नो मैं स्विच करती रहती हूँ मॉइस्चराइजर तो ये पीछे ही छूट गया था बट इस बार मेरे को जब वापस से वो टेक्स्चर और थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे पर्सफिल डाकने भी होने लग गया था तो आई जस्ट

गायब हो गया लाइक like, ये इतनी जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड आप डिफरेंस देखो यहाँ पे मैंने लगाया यहाँ पे मैंने नहीं लगाया इट गिव्स अ ब्यूटीफुल ग्लो टू द स्किन एंड बहुत ही अच्छा सा हाइड्रेशन ही आपकी स्किन को प्रोवाइड कर देता है आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट लगने लगती है लेकिन साथ ही ये आपकी बिल्कुल स्किन पे हैवी फील नहीं करता है इट इज अ वेरी वेरी गुड कंसिस्टेंसी एंड बस एक ही इसमें मुझे प्रॉब्लम लगती है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ऐसे कड़वे नीम के पत्ते होते हैं ना वैसी वाली फ्रेग्रेंस है लाइक दैट टिपिकल आयुर्वेदिक मे बी वो मतलब मैं मेरे मै को तो इसको स्मेल करके सीधे वो कड़वे नीम के पत्ते याद हाँ आ जाते हैं सो दैट इज़ वॉट इट स्मेल्स लाइक बट अपार्ट फ्रॉम द स्मेल दिस मॉइस्चराइजर इज़ ग्रेट फॉर ऑयली स्किन एंड वट आई लव डूंग इन जनवरी इज यूजिंग दीज थ्री प्रोडक्ट्स टुगेदर मैं इन तीनों को कंकॉक्शन बना लेती थी एक पंप ये लेके एक पंप ये लेके दो तो तीन ड्रॉप्स इसकी डाल के एंड लाइक आफ्टर आई वॉश्ड माई फेस मैं उन तीनों को ऐसे मिक्स करके अपने फेस पर पूरा लगा लेती थी एंड इट जस्ट हाइड्रेटेड माई स्किन इतना अच्छा ग्लो आता था एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक यू नो हाइड्रेटेड रहती थी एंड दिस टेक्नीक हैज़ वर्क ब्यूटिफुली फॉर मी एंड मैं जरूर इसी टेक्निक को आगे भी कंटिन्यू करती रहूंगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लेयर करते रहते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स को एंड पिलिंग होने लग जाती है सारा स्किन केयर हटने ही लगता है कुछ स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता सो दिस आई थॉट वॉज ए रियली रियली गुड टेक्निक मैं इन तीनों को ही साथ में मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ एंड इट हैज़ बीन वर्किंग ग्रेट फॉर मी so, सो आप लोग भी एक बार चेकआउट कर सकते हो इफ इट वर्क वेल फॉर यू और नॉट तो चलो नेक्स्ट कैटेगरी पे बढ़ते हैं आज के लिए वो होने वाली है हेयर केयर सो हेयर केयर के लिए दिस इज वॉट आई हैव बिन यूजिंग हेड एंड शोल्डर बैक टू बेसिक्स मैंने बहुत टाइम से सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज कर रही हूँ एंड दे है हाँ तो मैं बिल्कुल सल्फेट फ्री शैम्पू से मेरा काम नहीं चलता है आई हैव वेरी वेरी ड्राई एंड फ्लेकी स्कैल विंटर्स में हमेशा हेड एंड शोल्डर पे ही वापस आ जाती हूँ आई वॉज हैविंग सो मच डैंड्रव एंड हेड एंड शोल्डर ने वापस से मेरा डैंड्रव बिल्कुल रोक दिया है कम कर दिया है अभी एकदम हंड्रेड परसेंट तो नहीं रुका है बट मेरे स्कैल्प इतना ज्यादा फ्लेकी है कि मुझे हेड एंड शोल्डर यूज करना पड़ जाता है एंड फिर भी थर्ड फोर्थ डे के बाद वापस आई स्टार्ट सीइंग फ्लेक्स बट बिकॉज आई यूज अ सेल्फेड शैम्पू लाइक हेड एंड शोल्डर तो मेरी ये जो बाल है ना ये बहुत ड्राई हो जाते हैं एंड यू कैन सी आई हैव अ लॉट ऑफ फ्लाई ओवेज तो इनको टेम करने के लिए दीज टू हैव बीन माई फेवरेट्स इन जनवरी तो ये है आई के टी का वैक्स स्टिक आई डोंट नो इफ इट इज अ ब्रांड और वॉट बट एमेजोन पर हेयर वैक्स स्टिक टाइप करो एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ दीज तो मैंने ये वाली खरीद ली थी ये पिंट्रस्ट पे भी काफी ज्यादा वायरल हो रही थी एंड आप लोग देखो मैं इसको इतना यूज कर चुकी हूँ सो यू हैव टू पुश इट एंड तब ये ऊपर आती है तो ये ऐसे जैसे कैंडल होती है ना वैसा ही नॉर्मल मतलब वैक्स का है और यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर हेयर लाइक दिस एंड आपके पूरे बाल ना चिपक जाते हैं लाइक वैक्स है तो ऑब्वियसली एकदम स्लीक सा लुक दे देता है एंड उसके बाद मैं इस कोम को यूज़ करती हूँ दिस इज़ अ टीज़र ब्रश अगेन आप अमेजॉन पे लिख के देखो कि टीज़र कोम या टीजर ब्रश तो आपको ये मिल जाएगा एंड इसको जब आप ऐसे करते हो बालों पे तो इट जस्ट स्मूद योर फ्लाई अवेज ब्यूटिफुली एंड इट गिव्स अ वेरी प्रति शाइन टू योर हेयर सो दिस इज़ हाउ आई क्रिएट अ स्लीक लुक तो मुझे अभी हेयर कट कराना है एंड जब तक मैं हेयर कट नहीं करा लेती माई हेयर हैज़ नॉट बीन बिहेविंग वेल सो इसीलिए मैं आजकल मेरा गो टू हेयर स्टाइल हो चुका है ये स्लीक पोनी टेल सो so पीछे से मैं अपने बालों का ऐसे ही रफ खुला छोड़ देती हूँ एंड आगे से मैं एकदम स्लीक करके पोनी बांध लेती हूँ एंड इट

लव पंजाबी म्यूजिक एंड लाइक एवरीथिंग बस ये है की हाँ कुछ चीजें पसंद आ जाती है कुछ नहीं पर्टिकुलर जॉनरल नहीं है जो मुझे पसंद आता है सो द सॉन्ग देर है

आठ असले फीचरिंग गुरलेज अख्तर उसका जो सेकेंड हाफ था उनकी रील का जो सेकेंड हाफ था ट्रांजेशन का दैट वॉज अ पंजाबी सॉन्ग मैंने उसको सर्च किया एंड आई लिस टू इट एंड आई फेल इन लव लाइक क्या बीट्स हैं उसकी क्या म्यूजिक है क्या लिरिक्स हैं मजा ही आ गया एंड बिल्कुल कभी भी हम लोग कहीं पर भी ड्राइव पे जा रहे हैं तो दैट इज द ओनली सॉन्ग दैट आई लिसन टू मजा ही आ जाता है आई लव दैट सॉन्ग आई वुड हाईली रिकमेंड इफ यू आर अ पंजाबी म्यूजिक लवर डेफिनेटली गिव दैट सॉन्ग ए ट्राई एंड शोर अगर आप हो तो आपने सुनी लिया होगा, but in case नहीं सोना तो definitely check it out. and the last song for today is Lover by Taylor Swift featuring Shawn Mendes. जो Lover uh, song है वो originally Taylor Swift का ही अपना song था, but ये uh, yeah, like उसके बाद उसका remix आया featuring Shawn Mendes and oh my god that that song is just beautiful, straight out of fairy world and लाइक इट इज जस्ट अ फील गुड सॉन्ग कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सुनना है तो आई जस्ट प्ले दैट सॉन्ग एंड

ट्रैवल या जब भी मैं वॉक कर रही हूँ या ट्रेवल कर रही हूँ तो राधा देन लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सॉन्ग मैं प्रेफर कर रही हूँ पॉडकास्ट एक हफ्ते से मैं ये हैबिट डाल रही हूँ सो द पॉडकास्ट दैट आई लिस टू ये वॉज माई फेवरेट सोफार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इट वॉज बाई दिस लेडी कॉल टैम कॉर एंड उनका जो पॉडकास्ट है ब्लूम द सेल्फ हेल्प पॉडकास्ट उसका मैंने एपिसोड सुना था विच वॉज नेम हाउ टू क्लोज द गैप बिटवीन योर डिजायर सेल्फ एंड योर करेंट सेल्फ एंड इट वॉज ज सिंपली ब्यूटिफुल लाइक आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू लिसन टू दैट पॉडकास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग फर्स्ट फेबररी है आज उस पॉडकास्ट को सुनो आज सुनो कल सुनो कभी भी जब आपका मन करे तब सुनो एंड इट विल जस्ट गिव यू दैट पॉजिटिविटी दैट ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वाइब टू स्टार्ट एवरीथिंग दैट यू हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर it is actually what the name suggests like it will motivate you to close that gap between your future self and your current self bahut ही ज़्यादा self reflecting podcast tha mujhe bahut zyada acha laga like uske ek ek line stuck by me and I absolutely loved that podcast specially that episode and अब मैं उनके आगे के जो episodes हैं वो भी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ but अभी मैंने एक ही episode उनका सुना था and it just stuck by me ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पॉडकास्ट हाईली रिकमेंड उसको जरूर जरूर सुनना मैं नीचे लिंक जरूर करूंगी आप लोग एक बार सुन के देखना यू विल लव लव इट इट इज सो सो मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव सो शोज और मूवीज की अगर मैं बात करूं तो uh, मैंने एक शो देखा था नेवर हैव आई एवर आई नो की काफी लोग उसको देख चुके इट इज अ रियली रियली पॉपुलर शो मैंने बहुत ज्यादा लेट देखा है बट इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज समथिंग दैट आई बिंज वॉच लाइक मैंने बहुत टाइम से अपनी हैबिट छोड़ दी है बिंज वॉचिंग की बिकॉज मैं बिंज वॉच करने लगती हूँ तो सुबह शाम दिन रात बैठ के पॉपकॉर्न लेके बस मैं नेटफ्लिक्स देख रही होती हूँ एंड मेरा बाकी सारा काम छूट जाता है तो आई एम नॉट अ वॉचर एनी मोर दैट वाई बिंज वॉच एंड आई लवड इट एंड ऑल्सो आई एम अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ना एक्सप्लोर नहीं करती हूँ सो इफ़ यू रेकमेंड मी अ सॉन्ग इफ़ यू रेकमेंड मी अ मूवी इफ़ यू रेकमेंड मी अ बुक आई विल बाई दैम आई विल वॉच दैम आई विल लिसन टू दैम बट मैं खुद से बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती स्पेशली मूवीज एंड सॉन्ग्स में सो आई जस्ट गो बैक टू माई ओल्ड फेवरेट्स गाने में भी मेरा यही है और मूवी और शोज में भी मेरा यही है सो है स्टार्टेड री वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर द एन एथ टाइम एंड आई डोंट इवन रिमेंबर द काउंट राइट नाउ मैं दो सीजन देख चुकी हूँ एंड आई मिन लव लाइक मैं जब भी फ्रेंड्स देखूंगी मेरे मंथली फेवरेट्स में फ्रेंड्स तो जरूर ही होगा लाइक आई लव दैट शो सो मच एंड इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल कि वो नाइनटीन 94 ka i think show and it ended in 2004 if i'm not wrong and a purana show and still today everybody you know feels related it is a very relatable show and i just love how uh, beautifully everything was shot the you know the punchlines, the characters, everything is just amazing. But uh, yeah, knowing that Chandler is no more is a little bit sad, but still I love the show and I'm gonna watch it every single day till the day I'm alive. I love it that much. Okay, coming to books, you know how big of a reader I am. Maybe I have a show book reading. But last year, I had a conscious effort to read at least one book a month, but obviously I exceeded that mark by आई डोंट इन रिमेंबर द काउंट मतलब ट्वेल्थ से तो मैंने बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ ली थी जनवरी में आई कुडन स्टार्ट रीडिंग अगैन बिकॉज मैं माइंड मेकअप नहीं कर पा रही थी कि कौन सी बुक स्टार्ट करूं बट येस yes, मैंने जनवरी के एंड एंड में भगवदगीता दोबारा पढ़नी शुरू करी पहले मैंने हिंदी में पढ़ी थी पूरी नहीं पढ़ पाई थी सो आई गॉट अ इंग्लिश वर्जन बट येस आई रियली वॉन्टेड टू हैव बुक रेकमेंडेशन इन दिस वीडियो सो मैंने लास्ट ईयर जो बुक पढ़ी है उसमें से दो ऐसी बुक है जो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी पढ़ने के लिए ये बुक बुक्स ये दोनों ही बुक्स बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन गो विद हिंदी और यू नो यू कैन सी इफ इट इज अवेलेबल इन योर रीजनल लैंग्वेज और नॉट बट हिंदी और इंग्लिश तो दोनों में है ही सो द फर्स्ट बुक इज दिस दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड दिस बुक इज ब्यूटिफुल दिस बुक विल मेक यू रियलाइज

Even better than this, the book that was uh, my number one favorite in 2023 that I would really recommend in this video is The Secret. ये बुक है अभी मेरे पास है नहीं बिकॉज आई हैव गिवन इट टू अ फ्रेंड टू रीड सो दिस इज द बुक द सीक्रेट हाईली रेकमेंड यू टू रीड द बुक इसका यूट्यूब पे एक वीडियो फॉर्मेट भी है लाइक like ऑडियो बुक जैसा उसमें पूरा बुक एक्सप्लेन किया गया है सो इफ यू आर नॉट मच ऑफ अ रीडर आई वुड रेकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो टू लिसन टू दैट मेरी मम्मी रीड नहीं करती है तो मैंने उनको वो पूरा सुनाया था एंड इट इज रियली रियली गुड It is just beautiful, that is all that I'll say. And it is a book that you want to read. Bohatabko help me to uh, you know think right, to stay positive, to stay motivated, and to find that motivation within yourself and to not, you know.

स अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई शाल सी यू सुपर सुपरसूल इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन स्टे सेल्दी बाय बाय